मुरादाबाद में चिटफंड कंपनी द्वारा लोगों से करोड़ों रुपए के गमन का मामला उस समय सामने आया जब पीड़ित लोगों ने आकर कलेक्ट्रेट परिसर में चिटफंड कंपनी के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए उस पर धोखाधड़ी व करोड़ों रुपए गमन करने का आरोप लगाया। ये चिटफंड कंपनियां जनहित म्यूचुअल बेनिफिट निधि लिमिटेड, जनहित प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड, जनहित निधि लिमिटेड काफी लंबे समय से रामगंगा बिहार निकट सोनकपुर स्टेडियम के पास संचालित हो रही थी। कंपनी द्वारा लोगों को अधिक ब्याज का लालच देकर लाखों रुपए जमा कराए गए, जिसमें से कुछ लोगों की पॉलिसी 2020 मार्च में पूरी हो रही थी। जब अपनी पॉलिसी पूरी होने पर लोग पॉलिसी को कैश करने के लिए पहुंचे तो कंपनी डायरेक्टर द्वारा कहा गया कि सभी लोगों के पैसे दे दिए जाएंगे, चाहे उन्हें अपनी प्रॉपर्टी क्यों ना बेचनी पड़े, जिस पर लोगों ने विश्वास करके उन्हें समय दे दिया। लेकिन जब समय अवधि पूरी होने के बाद लोग पहुंचे तो कंपनी के डायरेक्टर व अधिकारियों ने लोगों से मिलने से मना कर दिया। उनके परिवार से बात की गई तो वे भी अभद्र भाषा का प्रयोग करके लोगों को भगा देते थे। चिटफंड कंपनी के डायरेक्टर व अन्य अधिकारी वहां से पैसा गमन करके जा चुके थे। देखते ही ये बात आग की तरह फैली तो अन्य लोगों में भी चिटफंड कंपनी के कार्यालय पहुंचकर अपना रुपया वापस लेना चाहा तो उन्हें भी पता लगे कि चिटफंड कंपनी के डायरेक्टर व अन्य अधिकारी कर्मचारी वहां से भाग चुके हैं। देखते ही मौके पर हंगामे की स्थिति पैदा हो गई तो लोगों ने इकट्ठा होकर कलेक्टर जाकर SSP कार्यालय के सामने अपनी परेशानी रखी और न्याय दिलाने की बात कही। साथ ही पीड़ित लोगों ने यह भी कहा कि वे पहले भी इसकी शिकायत कर चुके हैं लेकिन कोई भी कार्यवाही अभी तक अमल में नहीं लाई गई है। मेरा नाम नवनीत चौधरी है। नवनीत जी, क्या क्या समस्या है आपकी? समस्या साहब ये है, एक कंपनी थी जनहित के नाम से जो अजय कुमार यादव जी ने बनाई थी और उनके फैमिली मेंबर्स में उनका बेटा भी उसमें था और उन लोगों ने सभी लोगों को बड़ा आश्वासन दिया। मुरादाबाद के वो रहने वाले हैं और सभी लोगों को बड़ा आश्वासन, कसमें खाई, सारी चीज़ें की कि आप लोग पैसा जमा कराएँ और आपके पैसे की जिम्मेदारी पूरी हमारी है, चाहे हमारी अपनी संपत्ति भी हमें बेचनी पड़े लेकिन हम एक एक व्यक्ति का पैसा देंगे। अब काफ़ी समय से पेमेंट नहीं हो पा रहा था, तब 30 अप्रैल का उन्होंने वादा कर रखा था कि कुछ प्रॉपर्टी बेच के और सभी लोगों का हम भुगतान करेंगे, लेकिन वो प्रॉपर्टी तो उन्होंने बेच दी और बेचने के बाद 16 तारीख से वो किसी से भी मिल भी नहीं रहे हैं, ना ही उनकी फैमिली मिल रही है किसी से और ना ही वो व्यक्ति मिल रहे हैं। और फैमिली वालों से उसके बाद हमने कोशिश की मिलने की तो उन्होंने हमारे साथ गाली गलौज की और मारने तक की धमकी हम लोगों को दी है। हम लोगों ने यहाँ पे सब ये कंपनी किस जगह खोली गई थी? ये रामगंगा बिहार में इसका हेड ऑफिस था और जो रजिस्टर्ड है वो इनके अपने मकान से है जो ढाबा वाले मंदिर के पास। अच्छा, कितने लोग होंगे और किस वजह से पैसा दिया गया था इनको? ये कंपनी इन्होंने बनाई थी कि उसमें पैसा हम बढ़ाएंगे कुछ 1 साल का 2 साल का 3 साल का 5 साल का। अच्छा, प्रॉफिट के लिए? प्रॉफिट के लिए बैंक बताते थे कि बैंक की तरह हमारा काम है और आने वाले समय में इसे हम बैंक बनाएंगे। अच्छा, कितने लोग होंगे और लगभग कितना पैसा होगा प्रत्येक का? लगभग तो इसमें 20 करोड़ से ऊपर की देनदारी कंपनी के ऊपर होगी। कितने लोग हैं आपके साथ इस वक्त? इस वक्त जो हमारे साथ हैं 30-35-40 लोग हमारे साथ इस समय खड़े हुए हैं और बहुत सारे लोग आने के लिए तैयार थे लेकिन हम फोन कर करके उनसे मना कर रहे हैं। टोटल कितने होंगे सब? टोटल तो 5,000 से ऊपर लोग होंगे। अच्छा, कौन से अधिकारी को शिकायत की गई आज? आज SSP साहब के यहाँ भी हमने ज्ञापन दिया है और इससे पहले भी हमने 30 तारीख में भी वहाँ पर सूचना दी थी और 12 तारीख में भी हम देख आए थे। थाना अध्यक्ष सिविल लाइन में भी हमने दिया है और CO साहब के यहाँ भी आज हम। अच्छा, क्या चाहते हैं आप इसमें? इसमें हम चाहते हैं कि मुकदमा दर्ज हो और जो सभी गरीब लोग हैं सभी लोगों का पैसा मिले।